एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोई भी वित्तीय ढांचा आम आदमी की बचत की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। यह बयान उनका ऐसे समय आया है जबकि बैंकों की विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं और बैंकों में जो आम आदमी द्वारा जो रकम जमा की जाती है उसकी सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, खासकर ऐसे समय जबकि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी घोटाला हो चुका है। इसके अलावा यस बैंक से लेकर अन्य बैंकों की हालत भी खराब होती चली जा रही है। पारेख का यह भी कहना है कि हम नियमित रूप से लोन माफी और कॉर्पोरेट लोन में छूट देते हैं, लेकिन आम आदमी की बचत की रक्षा करने के लिए कोई वित्तीय ढांचा न होना क्रूर नाइंसाफी। पीएमसी बैंक घोटाले की वजह से उसके हजारों ग्राहकों को परेशानी हो रही है। आरबीआई ने ग्राहकों को 25,000 रुपए से अधिक निकासी करने पर रोक लगा रखी। पारेख ने कहा, मुझे लगता है कि वित्तीय क्षेत्र में आम आदमी की जो मेहनत की कमाई है उसके गलत इस्तेमाल से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं। एक कार्यक्रम में किसी घटना का नाम लिए बगैर पारेख ने कहा कि यह क्रूर नाइंसाफी है कि हम लोन माफी और हर तरह के बट्टे ऋण को माफ कर रहे हैं जबकि अब तक एक ईमानदार आम आदमी की बचत की रक्षा के लिए वित्तीय ढांचा नहीं बन पाया है। पारेख ने यह भी कहा कि विश्वास और भरोसा किसी भी वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ होता है और किसी को भी एथिक्स और मूल्यों की ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत जरूरी है लेकिन ब्याज दर की कमी इस दिशा में बाधक है। पारेख के इस बयान को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है ऐसे समय में जबकि बैंकों में जो एफडी जमा है उनको लेकर भी लोग अविश्वास कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।